आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंस्टेंट चना दाल रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही झटपट ही बनती आती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मजे की दाल बनकर तैयार होती है। इसको आप चपाती रोटी के साथ या फिर जीरा राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मजे की लगती है। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। इंस्टेंट चना दाल बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप चने की दाल ली, जिसको हमने अच्छे से 3-4 पानी से धोने के बाद इसको हमने आधे घंटे के लिए इसको भिगा दिया था, जिसके पानी को हमने इसको गिरा दिया है। आप देखते हैं अच्छे से हमारी दाल जो है बहुत फूल चुकी है। इस तरह से दाल हमारी हो जानी चाहिए। और इसी के साथ ही हमने यहाँ पे 1/4 कप जो है धुली मूंग की दाल ली है, इसको भी हमने धो के आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। जितनी आप चने की दाल लेंगे उसकी 1/4 हिस्सा आप यहाँ पर धोई हुई मूंग की दाल लेंगे। इसको बनाने के से पहले आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तब भी आप इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ज़रूर भिगाइए, तब ये बहुत ही मज़े की और अच्छी बनकर तैयार होती है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। इधर हमने एक प्रेशर कुकर चढ़ा लिया है। यहाँ पे अभी हमने कुकर को गैस पे रख लिया है, अभी हमने इसको ऑन नहीं किया है। इसमें पहले हमें अपनी जो है दाल डाल देनी है। यहाँ पे हमने जो अपनी दोनों दालों को भिगा के रखा था उसको डाल देंगे। यहाँ पे हमने दाल का पानी जो है बिल्कुल गिरा दिया था, हमने दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। इस तरह से हमें दोनों दालों को डाल देना है। इधर हमने इसी के साथ ही हमें 2 टमाटर लिए थे। यहाँ पे हमने देसी टमाटर लिए थे, इससे बहुत ही मज़े की दाल बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास ये है तो आप इसको इस तरह से बीच में से कट कर लीजिए और कट करने के बाद इसको इस तरह से इसमें डाल देंगे। बस हमें 1 टमाटर में से 2 ही पार्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको इस तरह से जो आपको इसका ऊपर का पार्ट रहता है उसको बस काट के निकाल देना है, बाकी सभी टमाटरों को आपको इसी तरह से रख देना है। इसी तरह से यहाँ पे हमने 1 प्याज भी ली है, जिसको हमने इस तरह से 4 भाग में काट लिया है। इसका भी हमने आप देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा इस तरह से काट के निकाल दिया है। काटने के बाद इसको 4 भागों में काट लिया है और इसको भी हम इसी तरह से रख देंगे। हमें इसको जो है बिल्कुल बारीक बारीक नहीं चॉप करना है। इसी के साथ ही हमने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें ली हैं, जिसको हमने इस तरह से बीच में से हल्का हल्का सा कट लगा दिया है 4 हरी मिर्चें पे। ये बहुत ही ज़्यादा हमारी तीखी वाली हरी मिर्च नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 से 5 हमने साबुत लहसुन लिया है, इसको भी हमें इसी तरह से डाल देना है, हमें इसको कट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 हमें बड़ी इलायची डाल देनी है। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं। एक बार आप ज़रूर इसको बनाइएगा। और 3 लौंग डाल देनी है हमें, इसी तरह से इसको भी डाल देना है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकती हैं, आपको प्रेशर कुकर जितना पानी सोखता हो आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा। हमें यहाँ पर दाल को गलाना है, इस हिसाब से हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 कप के आसपास इसमें पानी डाल दिया है। इसी के साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। यहाँ पे हम 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दे रहे हैं। नमक आप जो है जितनी आपकी दाल हो आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा। मसाले के नाम पे यहाँ पे बहुत ही कम मसाले पड़ते हैं और बहुत ही मज़े की दाल बनके तैयार होती है। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसी के साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें हींग डाल देंगे। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े की दाल बनके तैयार होती है। इधर हम स्पून की मदद से इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं चलाना, हमें इसको हल्का सा इस तरह से मिक्स कर दिए ताकि हमारे मसाले वगैरह जो है वो अच्छे से मिल जाएं। इसी के साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून इसमें घी डाल देंगे। आप अगर घी नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह पर ऑयल भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बस 1 टीस्पून के आसपास आप इसमें देसी घी डाल दीजिए। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा और इससे हमारी दाल भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके 2 से 3 प्रेशर आने तक के पका लेंगे। आपका प्रेशर कुकर जिस हिसाब से आपकी दाल वगैरह गलाता हो उस हिसाब से गला लीजिएगा, लेकिन हमें दाल को एकदम नहीं गलाना है कि हमारी दाल जो है एकदम बारीक हो जाए, एकदम मिल जाए। इस तरह से थोड़ी सी दाल हमारी खड़ी खड़ी रहे, इस तरह से हम पका लेंगे। हम यहाँ पर 2 से 3 प्रेशर आने तक के इसको पका लेंगे। ये प्रेशर खुद से निकल जाएगा तो हम इसको बंद करेंगे। इधर हमने कुकर को 3 से 4 सीटी आने तक पका लिया। आप देख सकते हैं हमारे कुकर का प्रेशर अच्छे से निकल चुका है। चलिए देखते हैं हमारी दाल का क्या हाल है। आप देख सकते हैं हमारी दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज पे जो हमने अपने टमाटर रुक डाला था ये एकदम अच्छे से हम गल चुके हैं। अब इसमें से जो हमें ये छिलका है इसको हमें निकाल देना है, क्योंकि ये छिलके अभी जो है दाल में गलेंगे नहीं और ये इसी तरह से इसमें तैरते रहेंगे और ये टमाटरों को भी गलने नहीं देंगे। इसलिए अब इन छिलकों को इसमें से निकाल दीजिएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारे छिलके निकल जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको निकाल दीजिएगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा।
इसी के साथ ही जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे, जैसे यहाँ पे जो है बड़ी इलायची हो गई है और तेजपत्ता और लौंग है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको निकाल देंगे तो ये सही रहता है और अच्छे से जो है मुँह वगैरह में आती भी नहीं है। इसी तरह से इसमें से हम तेजपत्ता भी निकाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत आसानी से दाल में आ चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से इसमें से निकाल सकते हैं। अब निकाल के बाद इसको अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है दाल वगैरह में। जो है टमाटर वगैरह हमारा अच्छे से मिल जाए, आप देख सकते हैं लहसुन वगैरह प्याज वगैरह सब बहुत अच्छे से गल चुकी है। दाल भी हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, इसलिए इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे। इधर हमने दाल को स्पून की मदद से अच्छे से देखिए मैश कर लिया है। इसमें जो है हमें दाल को बहुत ज़्यादा नहीं घोटना है। अगर आपको दाल बहुत ज़्यादा खड़ी है तो आप इसको घुटने वगैरह से भी अच्छे से घोट सकते हैं। बस इतना ही हमें इसको करना है कि हमारे टमाटर वगैरह जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरह से गल जाए। जो लहसुन हमने साबुत डाले थे, प्याज डाली थी, वो हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि वो एकदम गल चुकी रहती है और अच्छे से मिक्स हो जाती है। इसमें देख सकते हैं हमारी दाल जो है यहाँ बहुत ज़्यादा ठीक है, और जब ये ठंडी होगी तो ये और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ पे हमें गर्म पानी डालना है, हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल ही मत डालिएगा। हल्के से पानी को गर्म कर लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। दाल को इस स्टेज पे थोड़ा सा जो है पतला ही रखिएगा, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद जो है और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। देख सकते हैं इस तरह से हम इसको अच्छे से हमने इतनी जो है ठीक रखी है। अब ये ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा ये ठीक हो जाएगी। अब इस टाइम पर हम फ्लेम कुछ ऑन कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक के पका लेंगे। इधर 5 मिनट हो गए हमारी दाल को पकते हुए। अब देख सकते हैं हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा था और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही दाल हमारी पक रही है। इसको हम एक से 2 मिनट तक और पका लेंगे। और चलिए हम एक साइड पे जो है इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन आप ऐसा लीजिएगा जिसमें आपकी गैस, देख सकते हैं गैस को फुल रखना है, इसकी लो जो है हमारे ऊपर तक की आनी चाहिए। इससे हमारा तड़का बहुत ही मज़े का तैयार होगा। पैन हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 टीस्पून इसमें हम देसी घी डाल देंगे। देसी घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून ही हमने जीरा लिया था। इसको हमें डाल देना है। फ्लेम को हमने हाई कर रखा है, इसको हमें अच्छे से जो है पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, इसको गोल्डन हमें कर लेना है। हल्का सा ये गोल्डन हो जाएगा तो हम तब तक इसको हम पका लेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें यहाँ पर 2 से 3 साबुत लाल मिर्च भी डाल देना है हमें। देख सकते हैं इधर लहसुन वगैरह हमारा अच्छे से हो गया। इसी के साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। आप कसूरी मेथी को लास्ट में ही डालिएगा। और 1 टीस्पून ही इसमें हम जिंजर कटी हुई जो है अदरक डाल देंगे, जूलियन कट अदरक डाल देनी है। और 1 टीस्पून ही इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। डाल के आप जो है फ्लेम को लो कर लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत दाल में डाल दीजिएगा। बहुत देर तक नहीं रखिएगा, नहीं हमारी जो है मिर्ची जल जाएगी और जो है कलर। इधर हमें इसको तुरंत दाल में डाल देना है। डालने के साथ ही इसको हमें बस तुरंत ही ढक देना है। बहुत ही तेज़ हाथ से इसको कवर कर दीजिएगा, इसका जो फ्लेवर है वो दाल में उतर जाएगा। अगर आप इसको खोले रखेंगे तो हमारी दाल मज़े की बन तैयार नहीं होगी। अब इसको इसी तरह से हम 3 से 4 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। इधर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की हमारी दाल तड़का बनकर तैयार हुई है। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पर इसमें कुछ धनिया के पत्ते डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी मज़े का आ जाएगा। इस तरह से डाल देना है। डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम गर्मा गर्म इसी तरह से सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसको जीरा राइस के साथ सर्व कीजिए या फिर आप रोटी चपाती के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े की लगती है। इधर हमारी इंस्टेंट चना दाल रेसिपी एकदम तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए चपाती रोटी के साथ, जीरा राइस के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा।